मेरा नाम अलाउद्दीन है, मेरा ताल्लुक लेबोरेटरी फील्ड से है और मैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और जो टेस्ट हमारे पास परफॉर्म होते हैं उस पर डॉक्टर हजरात का कहना ये होता है कि मुझे इसमें शेयर चाहिए, तो बाज़ डॉक्टर 50% शेयर भी मांगते हैं। क्या इस्लामिक कानून के मुताबिक ये 50% शेयर जो है देना जायज़ है या नहीं है, और डॉक्टर का लेना ये जायज़ है या नहीं है, उसका जवाब मुझे दे दें, आंसर चाहिए। ये लेबोरेटरियों के साथ भी बाज़ डॉक्टर तरकीब करते हैं, इस तरह दवा की कंपनियों के साथ भी तरकीबें करते हैं, और इनको बाकायदा हदफ दिया जाता है कि इतनी दवाएं बिकवाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। यहाँ तक के बाजू का रिटर्न टिकट देते हैं किसी मुल्क का, तो एसी देते हैं, तो कार, तो फ्रिज, नकद रकम, इस तरह की तरकीबें इनकी होती हैं डॉक्टरों की। इसे लेबोरेटरी में 50% जैसे डॉक्टर मांगते हैं तो हम तुम्हारे पास भेजेंगे, तो ये सब ये रिश्वत है, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। देना भी गुना, लेना भी गुना, डॉक्टर भी गुनाहगार है, लेबोरेटरियन या जो भी दवा की कंपनी वाला है वो भी गुनाहगार है, ये ऐसा ना किया जाए। अब इसमें क्या होता है कि भाई डॉक्टर को दवा की ज़रूरत मरीज को है या नहीं है, उसने लिख देनी है ये साइड इफ़ेक्ट इसका, ताकि इसको कमीशन मिले, और डॉक्टर वो मरीज़ बेचारा दवाएँ खा खा कर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट तो उमूमन होते ही हैं, इस तरह मरीज को नुकसान पहुंचता रहे लेकिन डॉक्टर को अपना कमीशन मिलता रहे, और कंपनी की दवाएं भी बिकती रहे, कंपनी वाले को भी ये फ़ायदा है ना, दुनिया भी एतबार से कि ज़रूरत होगी नहीं होगी डॉक्टर लिख कर देगा हमको, बिकेगी अपनी कंपनी मजीद तरक्की करेगी। इसे लेबोरेटरी की ज़रूरत है नहीं हो टेस्ट लिख देगा, 50% इसको मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम अब आप ये नहीं पता होता, ज़रूरी नहीं है कि ये मरीज को टेस्ट की हाजत है या नहीं है, यही बोलता हूँ कि बगैर जरूरत के लिख देगा वो टेस्ट। पहले बाबा डॉक्टर मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है, इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि बगैर टेस्ट के डॉक्टर इलाज करते थे। मेडिकल जितना एडवांस होता जा रहा है उसी कदर लेबोरेटरी टेस्ट के प्रोसीजर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी, कह रहे थे बीमारियाँ बड़ी नई नई और अजीब अजीब आ गई हैं। अब अजीब अजीब और नई नई बीमारियाँ शायद इतनी नहीं आई जितनी इन्होंने टेस्ट बढ़ा दी हैं। लेबोरेटरीज धराधर बनती चली जा रही हैं, फिर लेबोरेटरी सस्ती नहीं बनती, लेबोरेटरी भी करोड़ों रुपए में बनती होंगी। अब लेबोरेटरी चलाने के लिए मेन है डॉक्टर। डॉक्टर ये सोचे बाबा इतनी बड़ी इसकी पोस्ट है, इसका माशरे में इतना मकाम है, ये एक लेबोरेटरी का सेल्समैन बना हुआ है, एक लेबोरेटरी के लिए वो ब्रोकरी करेगा बेचारा डॉक्टर, ये चोट करने के लिए कर रहा वो अलग, वो जो आप रिश्वत का जो कह रहे हैं वो तो कितना भयानक जुर्म है कि इतना मतलब लोग इसके शोबे की कितनी इज्जत करते हैं। आप लिख कर देते हैं, मरीज आपसे पूछता नहीं है कि ये गोली क्या, आपके लिखी हुई गोली को मरीज खा लेता है यार, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके जो मरीज आप पर एतमाद करता है आप उस मरीज के एतमाद को यूं मतलब के पैसों तले कुचल देते हो तो कैसे काम चलेगा। तो मेरी तो तमाम डॉक्टरों से मदनी इल्तिजा है, बराए करम बराए करम बराए करम, इतना इलाज महंगा, इतना इलाज महंगा, इतना इलाज महंगा है कि मत पूछिए बात, आम आदमी की कमर टूट जाती है। बच्चा बीमार होता है तो उसकी बीमारी को देखा जाता है, माँ बाप बीमार हो जाएंगे अब क्योंकि उसके इलाज पर खर्चा बहुत आ जाएगा। तो अगर हो सके तो जो दयानतदारी है इसको इख्तियार करना चाहिए, और जैसे बापा ने फरमाया खौफे खुदा वाला अंदाज, अल्लाह करे कि हमारे मेडिकल के इस पूरे निज़ाम में खौफे खुदा वाला अंदाज आ जाए, कोई ऐसे डॉक्टर मैदान अमल में आ जाएं जो इस करप्शन के खिलाफ अपने ही शोबे में तहरीक चलाएं। बहुत करप्शन है डॉक्टरों में भी, अलग इतना मुकद्दर शोबा है, ये बगैर करप्शन के इजीली चल सकता है, ये ऐसा शोबा नहीं है जिसको चलाने के लिए करप्शन जरूरी है। बहुत बहुत मतलब इलाज इतना महंगा कर दिया है, मरीज बेचारे एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं लेकिन इनको इलाज नहीं करने वाला कोई। अच्छा, और जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं इनमें लोग डोनेशन में दवाएं देते हैं, डोनेशन की दवाएं जो ये बड़े बदमाश होते हैं डॉक्टर बन बैठे हैं खा जाते हैं और मरीज मर जाते हैं, इस तरह की भी है मतलब बदउनवानियाँ हमारे यहाँ। हर डॉक्टर बुरा नहीं, हर एक को तो मैं बुरा कहता नहीं, जब भी मैं कहूँ तो ज़ाहिर है कि मुस्तस्नियात तो होते ही हैं, एक जनरल बात करता हूँ, बहुत जुल्म हो रहा है। डॉक्टरों को चाहिए कि कुछ सर जोड़ के बैठे हैं, अपनी कोई इस तरह की यूनियन बनाए और ऐसे डॉक्टरों को भी मतलब निकाल बाहर करें अपनी यूनियन से कि जो इस तरह की बदउनवानियाँ करता है। यार ये आपने क्या ऐद नहीं लिया था हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, क्या 20-20 लाख रुपए लेकर इंसानियत की खिदमत करने का ऐद किया था,
इंसानियत की खिदमत का आयत किया था ना, तो मुसलमानों की खिदमत करो ना, गरीबों को दुखियारों को सहारा दोगे अल्लाह तुम्हें सहारा देगा, तुम मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी इमदाद करेगा, आज तुम किसी पर रहम करोगे अल्लाह ताला ज़रूरत के वक्त तुम पर ज़रूर रहम फरमाएगा जब तुम्हारी ज़रूरत होगी, और वो ज़रूरत का दिन क़यामत है उस वक्त तुम पर रहम किया जाएगा। रब्बी गले काटते रहोगे तो क़यामत में क्या करोगे। मेरी सब डॉक्टरों से मदनी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके गरीबों पर रहम करें। इसी तरह मेडिकल स्टोर वालों से भी इल्तिजा है, नकली दवाएं ना दें इनको, असली दवाएं दें, कम नफे पर इन बेचारों को दें, खिदमत करें, कुछ बजट ऐसा बनाएं कि भाई इतनी दवाएं गरीबों को दूंगा, इतने मुफ्त इलाज करूंगा, और इस तरह का इतने इंजेक्शन मुफ्त लगाऊंगा, कुछ बजट में से निकालें यार, गुंजाइश निकालें गरीबों के लिए, गरीबों की दुआएं लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा।